JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल रजब। अभी हम पुलवामा की जो DC ऑफिस का परमिस है वहीं पे मौजूद है, जहां पे आज UT लेवल का जो कंपटीशन है वो यहां पे हो रहा है। जो आप बिल्कुल मेरे पीछे देख रहे हैं, जो बैनर लगा हुआ है यहां पे, जिसमें राइटिंग, पेंटिंग एंड पोइट्री का जो कंपटीशन यहां पे हो रहा है, जो यूटी फाउंडेशन डे हमारा है, उसी के बैनर के तहत आज ये दिन मनाया जा रहा है, और जिसमें बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया। और बिल्कुल आप मेरे पीछे अगर देख रहे होंगे, यहाँ पे बच्चे बिल्कुल जबरदस्त आप बिल्कुल अगर देखना चाहेंगे तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बच्चे कैसा यहाँ पे अपना जो पेंटिंग, ये आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं, जिसमें यही नहीं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कितने सारे बच्चे और हर स्कूल से यहाँ पे बच्चे आए हैं जो पार्टिसिपेट इस टाइम पे कर रहे हैं। और उसी हवाले से जो हमारे साथ यहाँ पे एक मैम है जो अपना ये बताएंगे कि ये जो इस टाइम पे जो कंपटीशन हो रहा है, तो उस हवाले से मैम आपका स्वागत है। तो आप हमें बताइए कि जो ये कंपटीशन इस टाइम पे हो रहा है, तो इस हवाले से आप बताइए। मैं एज अ ज्यूरी मेंबर यहाँ पे हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पेंटिंग कंपटीशन, ऐसे राइटिंग एंड पोइट्री कंपटीशन हो रहा है कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं हमारा डिपार्टमेंट करवाता रहता है, एज अ डी ऑफिस से भी और CO's ऑफिस से भी, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है इसमें है बदलता हुआ कश्मीर। यूटी लेवल मतलब यूटी फाउंडेशन डे के ऊपर बच्चों को कितनी अवेयरनेस है, और दूसरी चीज़ है कि इसमें टैलेंट भी बच्चों का सामने आता है, जिसमें ऐसे राइटिंग, पोइट्री एंड पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो हैं इसमें बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो एज अ ज्यूरी मेंबर आज हमने ये देखना है कि किस बच्चे का टैलेंट और किस बच्चे को कितनी अवेयरनेस है इन चीज़ों के बारे में। तो मुझे बताइए, जो ये कंपटीशन हो रहा है जिसमें पोइट्री है, बाकी सारी चीज़ें हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपने जो रखी है, तो मुझे बताइए जो इसमें टॉप लेवल पे आएगा वो क्या कहीं और जाएगा, या आपको उसका टैलेंट यहाँ पे देख रहे हैं आपकी। और दूसरी चीज़, आपने एक अच्छी चीज़ बताई जो यूटी लेवल पे, इनका यूटी के लिहाज से कितनी इस टाइम पे जानकारी है, तो बदलते कश्मीर का आपने बोला, तो इस हवाले से आप थोड़ा बताइए। बदलते कश्मीर में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे पहले ये स्टेट था, स्टेट और यूटी में फ़र्क क्या है। दूसरा है कि अगर इसको यूटी बनाया गया है तो इसमें कौन सी चीज़ों का फ़र्क आया और आएगा, या फिर कौन सी चेंजेस लाई गई हैं, कि अगर स्टेट था तो कौन सी चीज़ें नहीं मिलती थी, या फिर कौन सी चीज़ें मिलेंगी, या फिर कौन सी चीज़ों को कट ऑफ कर दिया गया है, तो इन चीज़ों के बारे में बच्चों को क्या पता है, वो अपने व्यूज़ इसमें एक्सप्रेस करेंगे। तो यूटी फाउंडेशन डे ये कब बना, क्या तो कैसे बनाया गया है, तो कितने स्टेट्स हैं और कौन से अब मतलब यूटी बन गए हैं, तो इसके बारे में वो एक्सप्रेस करेंगे अपने व्यूज़ को। दूसरा ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल है, पहले जोनल लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम SCERT या फिर स्टेट लेवल पे भेजते हैं बच्चों को, स्टेट से फिर नेशनल लेवल तक बच्चों को भेजा जाता है, कि जिसमें बच्चों का टैलेंट सामने आता है और एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत अच्छा। आप मुझे बताइए कितने स्कूलों में इसमें पार्टिसिपेट किया, और क्या गवर्नमेंट स्कूलों से ही या प्राइवेट स्कूल भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मैक्सिमम तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों, गवर्नमेंट स्कूल्स मतलब मैक्सिमम इसमें गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो मुझे बताइए जो टॉप में इस टाइम पे आएंगे उनको क्या दिया जाएगा, उनको कोई प्राइज दिया जाएगा या बाकी कुछ चीज़? जी, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और साथ में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो हर बच्चे को मिलता है, और साथ में इनको अवार्ड के तौर पे कुछ ना कुछ मेडल्स या मोमेंटो दिया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे बच्चे यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं, आप देखिए कि पेंटिंग यहाँ पे बना रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लाइव तस्वीरों में, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों से आए हुए आप देख रहे हैं कि ये, आप बिल्कुल ये लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे ये अपना फ्लैग जो है वो कैसे बना रहे हैं, और बिल्कुल कितनी खूबसूरती के साथ आप देख रहे हैं कि छोटा बच्चा कैसे ये अपनी हुनर दिखा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक छोटी बच्ची जो यहाँ पे पोइट्री लिख रही है बहुत खूबसूरत, जो ऐसे लिख रही है बहुत खूबसूरती के साथ, और आप देखिए यहाँ पे दूसरा बच्चा जो अपने बिल्कुल हुनर का यहाँ पे बिल्कुल, आप ये पेंटिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो
यहाँ पे फ्लैग 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 बना रहे हैं, और आप देखिए कितना खूबसूरत फ्लैग इन्होंने बनाया है, बहुत खूबसूरत। और हर कोई बच्चा अपनी अपनी हुनर यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ये डीसी ऑफिस पुलवामा में जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे ये कंपटीशन जो ऑर्गेनाइज़ किया है, उसी हवाले से आज यहाँ पे हर स्कूल से जो बच्चे हैं, हर जो डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चे हैं वो यहाँ पे आए हैं और अपनी हुनर का जो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एसे हो, पोइट्री हो या पेंटिंग हो, हर कोई चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी हर किसी को मिलेगी और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगी। लेकिन बिल्कुल अगर देखा जाए तो पुलवामा में टैलेंट की कमी नहीं है, और टैलेंट को बिल्कुल अगर एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी चीज़ें देखा जाए तो हर टाइम पर इनका यही ख्याल रहता है कि बच्चों को कैसे एनकरेज किया जाए। जुड़े रहिए अगली खबर के साथ, JJ24 न्यूज़ के साथ।